हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिपी नरेन कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी ठंड तो बहुत पड़ने लग गई है और लाल गाजर का सीज़न भी चल रहा है, तो इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन भी करेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg गाजर लिया है, क्योंकि मैं ढेर सारा गाजर का हलवा बना रही हूँ, इसलिए आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। गाजर को हमने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और आगे का पार्ट कट कर दिया है। और यहाँ पे हमने कद्दूकस लिया है, और जो कद्दूकस में जो आगे का बड़ा वाला होल है, उस तरफ से हम कद्दूकस करेंगे। इसी तरह से हमने अपने सारे गाजर कद्दूकस लेने के देखे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो बड़ा वाला होल है, उधर से ही हमें इसको ग्रेट करना है। इस तरह से ये देखिए, तो ये मैंने सारे गाजर कद्दूकस कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ इंडक्शन पे एक भारी तले की कढ़ाई रखी है। ध्यान रखें दोस्तों कि कढ़ाई थोड़ी भारी तले की लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हल्की होती है तो हमारे जो गाजर है ये सारे उसमें चिपक जाते हैं। तो अब मैंने ये सारे गाजर कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसको ढककर रख देंगे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे, और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, तो 5 मिनट के बाद हमने इसको फिर से ओपन करके चला दिया है, और उसके बाद फिर से ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इससे जो गाजर पानी छोड़ती है वो सूख जाएगा। ये गाजर के हलवे की बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये ना ही ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत है इसमें, और बिना मावे के भी आप इसे बना सकते हो, और ये खाने में सच में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए, हमारा इसमें गाजर में से जो पानी है वो सूख गया है, और अब इसमें हम दूध डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो एटलीस्ट इसमें मैंने 3 kg के अप्रॉक्स मैंने दूध का यूज़ किया है। तो ये देखिए, अब इसको ढक देंगे, फिर से पकाएंगे। दूध डालने के बाद एटलीस्ट आपको आधे घंटे तक पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए, अब हमारा दूध भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद हो आपको उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। कितनी क्वांटिटी है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ये आप देख सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे घी। यहाँ पर मैंने 1/2 बाउल घी का यूज़ किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए, अब हमारा गर्मा गर्म हलवा बनके रेडी हो गया है बिना मावा के। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़े चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ता ऐड किया है। ये ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना डिलीशियस हमारा ये गाजर का हलवा बनके रेडी हुआ है। देखने में ही लग रहा है ना ये कितना यम्मी है, और बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनके ये रेडी हुआ था। सच में मुझे बहुत ही पसंद है गाजर का हलवा, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो हमने ज़्यादा सा बनाया था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2 kg का बनाया था ये हमने। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर भी इसका अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा सा ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स के इस पर गार्निशिंग कर देंगे। यार, सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।